हाय फ्रेंड्स, मैं पारमल मोहम्मद आपका वेलकम करता हूँ MySQL आई PHP ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा MySQL underscore num underscore rows जो लाइब्रेरी फंक्शन है जिसकी मदद से हम रिकॉर्ड काउंट कर सकते हैं इन द रिसोर्स वेरिएबल। अगर वो हमें विद MySQL आई अगर हमें करना है तो वो कैसे करेंगे, POP और OOP हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी तीन छोटे प्रोग्राम टाइप करके रखे हैं आपकी सहूलियत के लिए। ये जो पुरानी मेथड MySQL की है, उसके बाद में MySQL आई का कोड और बाद में MySQL आई का विद OOP सिंटेक्स का कोड मैंने पहले से टाइप करके रखा है थोड़ा बहुत, तो वो हम देखेंगे कि अगर हमें करना है तो वो कैसे करेंगे। नम अंडरस्कोर रोज का कोड, तो यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी पुरानी मेथड लिखी हुई है जिसकी मदद से हम रिसोर्स वेरिएबल में रिकॉर्ड्स फेच करवाइए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है जिसमें मैंने 12 रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए हैं पहले से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डॉलर काउंट वेरिएबल एज्यूम करेंगे और उसमें हमारा स्टेटमेंट होगा MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज और ब्रैकेट में रिसोर्स वेरिएबल जिसमें हमारे एक्चुअल रिकॉर्ड स्टोर होंगे। और यहाँ आकर के हेल्प ऑफ इको हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे काउंट रिकॉर्ड्स। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये MySQL का जो कुछ भी मेथड का जो कोड था उसे पहले हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम जो मैंने पेज ओपन करके रखा है MySQL underscore num underscore rows की जो फाइल है वो हम एग्जीक्यूट करने की है। देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया 12 रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा कोड था एज अ ओल्ड मेथड। तो अब हमें इसे कोड को रिप्लेस करना है MySQL आई, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने MySQL आई द POP मेथड ऑलरेडी कोड करके रखा है। तो अगर उसी मेथड में अगर हमें रिकॉर्ड्स काउंट करवाना है तो हम कैसे करेंगे, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं बताता हूँ कि अगर हमें रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं तो हमें सिंपली जहाँ पे हम पहले MySQL लिखते थे हमें वहां पे MySQL आई लिखना है। दूसरी कोई सिंटेक्स चेंज नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे MySQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज और ब्रैकेट में हमारा रिसोर्स वेरिएबल इको डॉलर काउंट रिकॉर्ड्स। MySQL underscore query का जो पुराना पेज था बैक जाके यहाँ पे अब उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया POP का 12 रिकॉर्ड्स था। टेबल में बता देता हूँ कहाँ पे मैंने ये टेबल स्टोर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट है इन MySQL PHP MyAdmin में जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब जो लास्ट मेथड है हमारी MySQL आई OOP की मेथड, यहाँ भी मैंने क्वेरी ऑलरेडी का जो कोड था वो करके रखा है। अब जो OOP में होता है चेंजेस वो क्या होता है, जो डेटा स्टोर हुए वो रिसोर्स वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर होते हैं। तो हमें रिसोर्स को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करके हमें एक मेंबर या प्रॉपर्टी है नम अंडरस्कोर रोज उसका इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। डॉलर काउंट, अब रिजल्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहले हम लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, हम OOP में लाइब्रेरी फंक्शन की जगह पे हम रिजल्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट ऑब्जेक्ट, और उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी नम अंडरस्कोर रोज जिसकी मदद से हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। इको डॉलर काउंट रिकॉर्ड्स। देखिए MySQL आई OOP 12 रिकॉर्ड्स। ये था नम अंडरस्कोर रोज के बारे में। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा फेच के बारे में, फेच अंडरस्कोर रोज, फेच अंडरस्कोर अशोक जो लाइब्रेरी फंक्शन है उसके बारे में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, आपको जब वीडियो स्टार्ट हुआ है तभी आपको एक नोटेशन में एनोटेशन नोट छोटी सी दिखाई गई होगी। इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Yeah.